अस्सलाम वालेकुम क्लास क्लास आज का हमारा टॉपिक है व्यूज से रिलेटेड। ठीक है, हम आज के टॉपिक पे व्यूज करेंगे, व्यूज को देखेंगे कि व्यूज क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि व्यूज को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप्स के व्यूज होते हैं हमारे पास। हम अगर बात करते हैं व्यूज की, तो मैं आप लोगों को पहले एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें व्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है, किस तरह से पड़ती है और व्यूज होते क्या है। तो आपको उस एग्जांपल से सही समझ में आएगा कि लेट सपोज हमारे पास एक कोई सुपरमार्केट है, ठीक है, और हम उस सुपरमार्केट के स्टॉक को व्यू करना चाहते हैं ना। हमारे पास अगर एक सुपरमार्केट का डेटाबेस हम बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें उसके स्टॉक को व्यू करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक ऐसा सिस्टम रखना पड़ेगा। बार बार अगर आपको, अगर लेट सपोज आप उस सुपरमार्केट के वो हो, एनालिस्ट हो, तो आपको अगर बार बार कहा गया, इंजीनियर हो तो आपको बार बार मैनेजर कहेगा कि आप चेक करके बताएं कितना स्टॉक है कितना स्टॉक है, तो आपको क्यूरी बार बार लिखनी पड़ेगी अपने स्टॉक को चेक करने के लिए। तो स्टॉक को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आप उस व्यू से क्या करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है आपके उसमें स्टॉक में क्या क्या कुछ है। तो इसी तरह से अगर कोई कुछ सेल हो जाता है, तो उसकी फ्रीक्वेंट, ये कुछ सेल हो जाता है उसका स्टॉक आपको पता होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से ये जो फ्रीक्वेंट चेंजेस का जो फ्रीक्वेंट चेंजेस होना होती है ना, और उनको ट्रैक रखना, उनका ट्रैक करना, उनको ट्रैक करना आपके लिए इजी करता है व्यू ना। फ्रीक्वेंट चेंजेस होने को और उनको प्रॉपर ट्रैकिंग में रखने के लिए ना आपको व्यूज की जरूरत पड़ती है। तो हम बेसिकली जो व्यू क्रिएट करते हैं उसके पास कोई डेटा नहीं होता क्लास, ये जस्ट एक पॉपअप विंडो होती है, ठीक है। व्यू जो है वो एक जस्ट पॉपअप विंडो है, ये हमेशा आपकी बेस टेबल के ऊपर जाके क्यूरी को रन करती है। जब जब व्यू व्यू को कॉल करेंगे आप लोग, तो तब तब ये विंडो पॉपअप होगी और जो आपके बेस टेबल पे क्यूरी होगी उसे ये रन कर देगी। तो व्यू का जो बेनिफिट है ना, वो यहाँ पर ये है कि ये रिपीटेटिवली जो आपकी जो क्यूरीज हैं, जो आप बार बार आपको लिखनी पड़ जाती है, उन वो आपको जो है व्यू में स्टोर करवा देते हैं आप सिंपली। और जब भी आपको कॉल करनी होती है, तो बेस टेबल से जब कॉल करनी होती है, तो आप व्यू को कॉल कर रन करके स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ व्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू और सिंपल व्यू, ठीक है। सिंपल व्यू को क्रिएट करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से, जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। हमारे पास दो तरह के व्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यूज होते हैं और सिंपल व्यूज होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, ताकि फिर उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड मूव करें। जो सिंपल व्यूज होते हैं क्लास, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उसपे हम सिंगल क्वेरी रन करते हैं, उसमें ज्वाइंस नहीं लग सकते, सब क्वेरीज नहीं लग सकती, ठीक है। नो ज्वाइंस नो सब क्वेरीज, जो सिंपल व्यूज होते हैं वो इनको सपोर्ट नहीं करते, और हम सिंपल व्यूज पर डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि व्यूज के थ्रू हम कोई भी डेटा अपने टेबल के अंदर इंसर्ट भी करवा, टेबल के अंदर या व्यूज के अंदर हम देखना चाहें तो हम डीएमएल करवा, डीएमएल क्यूरी रन करवा सकते हैं, ठीक है। डीएमएल ऑपरेशन सिंपल व्यूज सपोर्ट करते हैं डीएमएल को, ठीक है। तो डीएमएल ऑपरेशन आप सिंपल व्यू के थ्रू करवा सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स व्यूज की, तो कॉम्प्लेक्स व्यूज में हमारे पास ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है इसमें हम सब क्वेरीज या ज्वाइन यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स व्यूज के अंदर हम ग्रुप फंक्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक लैकनेस है वो ये है कि हम इसमें डीएमएल ऑपरेट नहीं कर सकते, हम डीएमएल ऑपरेशन नहीं करवा सकते, हम कुछ इंसर्ट नहीं करवा सकते कॉम्प्लेक्स व्यूज के थ्रू, हम कुछ डिलीट नहीं करा सकते, हम कुछ अपडेट नहीं कर सकते डेटा टेबल के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे पास डिफरेंस आ गया, मैंने आपको वर्बली डिफरेंस बता दिया। अब ये करके मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन किस तरह से हम करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मैं आपको भी सिर्फ आपका मैनुअल दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आप अपना मैनुअल देख लीजिए, और ये आपके मैनुअल में कुछ ड्रॉप करना, व्यू को ड्रॉप किस तरह से किया जाता है, ये रहा एक। व्यू को ऑल्टर कैसे करते हैं, व्यू को एडिट कैसे करते हैं, ये सब क्यूरीज लिखी हुई है। सबसे पहले क्रिएट की क्यूरी लिखी हुई है, क्रिएट व्यू एज दिस दिस दिस, क्रिएट व्यू एज सेलेक्ट फ्रॉम दिस दिस दिस, इस तरह से ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्यूरीज दिखाती हूँ मैं आपको, ऑल्टर कैसे, ऑल्टर व्यू के कीवर्ड से ऑल्टर किया जा सकता है, ड्रॉप व्यू से ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है। ये सब वो क्यूरीज हैं जो आप
आराम से कर लेंगे, लेकिन मैं आपको डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा देती हूँ व्यूज पर, और आपको क्रिएट करके एक व्यू दिखा देती हूँ, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स व्यू एक इक्वी ड्राइंग के साथ दिखा देती हूँ, और एक जो है आपको ग्रुप फंक्शन के साथ दिखा देती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात कर रही थी. ठीक है, उससे पहले मैं टास्क दिखा देती हूँ आपको. टास्क क्या है? क्रिएट अ व्यू टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ 10 ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 फ्रॉम ईएमपी टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स: एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर. बहुत ईजी सा टास्क है. अभी व्यूज देखेंगे आप लोग तो आपको आइडिया हो जाएगा. पहले मैं व्यूज दिखा देती हूँ, फिर टास्क डिस्कस करते हैं. मैं पहले आपको दिखा देती हूँ क्यूरीज मैंने लिख ली हैं, और लिख के एक डॉक्यूमेंट बना लिया है आपके लिए. उसमें ये देखें, अब क्लास मैं इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से नजर आ जाए. सही, अब ये देखिए क्लास, यहाँ पर हमारे पास एक व्यू क्रिएट हुआ है. अच्छा हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लास, जब आप लोग व्यू क्रिएट कर रहे हैं अभी अपने अपने ओरेकल्स पर, तो आपके पास एक एरर आएगा. उस एरर, वो एरर कुछ ये होगा, जैसे ये आपका सिंटेक्स्ट है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम मैंने रखा है माई व्यू एज सिलेक्ट एम्प्लॉई नंबर एम्प्लॉई नेम फ्रॉम ईएमपी. ठीक है, ये मैंने एक व्यू क्रिएट कर दिया, इसमें मैंने एम्प्लॉई नंबर और एम्प्लॉई नेम को डिस्प्ले करवाया है. लेकिन अब इसने मुझे एक एरर दिया है. अच्छा, मेरे पास ये एरर आया था तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट रख लिया, ताकि आप लोगों के पास भी ये एरर आएगा तो मैं आप लोगों को बता सकूं कि कैसे प्रिविलेजेस ग्रांट करेंगे आप लोग. किसी के पास आएगा और किसी के पास नहीं भी आएगा, जिसने स्टार्टिंग में कर दी होंगी तो उनके पास नहीं आएगा. इंस्टॉलेशन, ओरेकल की इंस्टॉलेशन के वक्त ये आपके पास प्रिविलेजेस मांग रहा था, तो मैंने भी नहीं की हुई थी ग्रांट, तो मैंने दोबारा इसे की है. ये देखें अब क्या हुआ है, मेरे पास ये एक एरर आ गया इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस का. ठीक है, अब मैंने इसे प्रिविलेजेस ग्रांट करनी थी, तो मैंने क्या किया, एक क्यूरी लिखी, एक कीवर्ड यूज किया कॉन, ठीक है, और COOO करके. उसके बाद एंटर यूजर नेम, ये मेरे पास लिखा हुआ आया. जब मैंने इधर एंटर प्रेस किया तो ये मेरे पास लिखा हुआ आया. अब मैंने इसके बाद क्या लिखा, सिस स्लैश 1 2 3 4 5 एडमिन. ये मेरा वो पासवर्ड था, 1 2 3 4 5 एडमिन वाला, ये मेरा वो पासवर्ड था क्लास, जो मैं जब ओरेकल को मैंने इंस्टॉल किया था तो जो मैंने पासवर्ड दिया था, ये वो पासवर्ड है मेरा. ठीक है, 1 2 3 4 5 एडमिन वाला. ठीक है, तो आप लोग इस 1 2 3 4 5 एडमिन की जगह अपना वो पासवर्ड लिखोगे जो आपने इंस्टॉलेशन के वक्त दिया था. फिर ये एक और, फिर स्पेस, और फिर ये एक कीवर्ड आ गया एस, फिर स्पेस, फिर कीवर्ड आ गया सिस डीबीए. ठीक है, अब आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया अपने एसक्यूएल को एज अ एडमिन, सिस एज अ सिस एडमिन. अपने आपको, आपने अपने यूजर को जो है, आप पहले आपका यूजर, आप शो यूजर करें, अगर इसके बाद इसके बाद अगर आप लिखेंगे शो यूजर करेंगे तो वो आपको कहेगा आप स्कॉट से कनेक्टेड हो, स्कॉट आपके पास यूजर आ जाएगा. लेकिन आपको क्या करना है, अपना यूजर सिस बनाना है, तो आपने सिस से लॉगिन करना है और उसके बाद ये लिखना है ग्रांट. अच्छा, अब जब ये कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया ना, एस सिस डीवीए कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया जब, ठीक है, अगर किसी का कनेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब उसने अपना पासवर्ड गलत डाला है. इसी इसी क्यूरी से, इसी इसी एक लाइन से, इसी स्टेटमेंट से आपका सिस कनेक्ट हो जाएगा. अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, इट मींस आपने अपना पासवर्ड सही नहीं डाला. ठीक है, मैं आपको फिर भी जूम इन करके भी वापस दिखा दे रही हूँ. ये देखिए, उसके बाद जब ये कनेक्ट हो जाएगा ना क्लास आपके पास, तो आप क्या करोगे, आप ये वाली लाइन लिखो सिंपल, ये एक क्यूरी चलाओगे ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट. ठीक है, अब आपने इसे प्रिविलेजेस ग्रांट कर दिए, आपने क्या कहा, आप क्रिएट व्यू के प्रिविलेजेस स्कॉट के यूजर को ग्रांट कर दो. आपने ग्रांट करवा दिए प्रिविलेजेस, अब वो क्या कह रहे हैं, ग्रांट सक्सीडेड, यानी कि अब स्कॉट के पास ग्रांट आ गया. अब आप स्कॉट के पास राइट्स दे दिए आपने स्कॉट को, अब स्कॉट क्रिएट कर सकते हैं व्यू, लेकिन आप तो सिस से कनेक्ट हो, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस कनेक्शन लिखना है, यहाँ पे कॉन कनेक्शन से COOO कॉन, फिर वो एंटर यूजर नेम पूछेगा, तो आपने लिखा स्कॉट और एंटर पासवर्ड में आपने लिखा टाइगर, और आप चले गए कहाँ, अब कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया, तो आप कहाँ चले गए, अब आप कनेक्ट हो गए वापस स्कॉट टाइगर से.
ठीक है, तो इस तरह से आप वापस स्कॉट टाइगर में आ गए। जब आपने प्रिविलेजेस ग्रांट कर दी तो आप वापस स्कॉट टाइगर में कैसे हो गए, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपने क्रिएट किया व्यू, अगर आपके पास इनसफिशियंट प्रिविलेजेस का एरर आ रहा है तो आप ये काम करोगे, आप एक्सेस से लॉग इन करके ये लाइन एक छोटी सी ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट की लाइन लिख देंगे, ठीक है, ये क्यूरी लिख देंगे। उसके बाद ग्रांट सक्सीडेड जब लिखा हुआ आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, वापस कनेक्ट कर देंगे अपने आप को, वापस स्कॉट टाइगर में लेकर आएंगे। आपका यूजर स्कॉट है, पासवर्ड टाइगर है, कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब आप अपनी व्यू को क्रिएट करो, वापस क्रिएट व्यू माई व्यू एज सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम फ्रॉम ईएमपी। अब मैंने क्या किया, माई व्यू के नाम से एक व्यू क्रिएट किया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, ये एक व्यू का कीवर्ड है और माय व्यू मेरे व्यू का नाम है, जिसमें मैंने क्या सिलेक्ट करवाया, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम, कहां से, एम्प्लॉय से। ये मैंने एक सिंपल व्यू क्रिएट किया है और वो व्यू क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माय व्यू। अब मैं चेक भी तो करूं कि मेरे पास वो व्यू क्रिएट हुआ भी है या नहीं, तो मैं उसको चेक करने के लिए वापस देख रही हूँ। तो ये देखिए मेरे पास, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करवाया था तो वो सब चीज मेरे पास वापस सेलेक्ट होकर आ गई, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम मेरे पास आ गया। ठीक है, यहां तक हमने अभी सिर्फ सिर्फ क्या किया है, एक सिंपल व्यू क्रिएट किया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 14 रोज सेलेक्टेड और ये एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम आ गया मेरे पास। यहाँ पे मैं सिलेक्शन के अंदर कोई और एट्रीब्यूट लिखती तो वो भी मेरे पास व्यू के अंदर शो हो जाते, लेकिन अभी मैंने लिखे नहीं है इसलिए मुझे सिर्फ ये दो एट्रीब्यूट शो है। ये तो हो गया सिंपल व्यू। अब मैंने आपसे कहा था सिंपल व्यू के थ्रू हम डीएमएल परफॉर्म कर सकते हैं, डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंसर्ट इनटू माय व्यू और वैल्यूज, यानी कि अब मैं चेक कर रही हूँ क्या वाकई हम इंसर्ट कर सकते हैं व्यू के थ्रू। तो अब मैं माई व्यू में देखें, एम्प्लॉय में नहीं इंसर्ट करवा रही, माई व्यू में इंसर्ट करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सिंपल व्यू के थ्रू डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं रीचेक कर रही हूँ उस बात को कि क्या वाकई हम कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म डीएमएल का। तो मैंने एक इंसर्शन की क्यूरी लिखी, डीएमएल ऑपरेशन होता है इंसर्ट, ओके। अब मैंने कहा इंसर्ट इन टू माई व्यू वैल्यूज 1001 सारा, मुझे पता है एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नंबर इंटेजर है और एम्प्लॉय नेम जो है वो स्ट्रिंग है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज पास करवा दी और वन रो क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या वाकई मेरे टेबल में ऐसा कुछ हुआ है। तो ये देखिए मैंने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी, जब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ईएमपी लिखा तो मेरे पास ये रो आ गई 1001 सारा। ये देख रहे हैं आपके एम्प्लॉय के टेबल के अंदर सारा आ गया, ठीक है, 1001 एम्प्लॉय नंबर है और एम्प्लॉय नेम है सारा। ये तो मैंने चेक किया है एम्प्लॉय के टेबल में, एम्प्लॉय के टेबल में, इसका मतलब है कि व्यू के थ्रू हम इंसर्शन करवा सकते हैं सिंपल व्यू के थ्रू। यानी किसी भी टेबल के अंदर हमारा कोई बेस टेबल है जिसपे हमने व्यू क्रिएट किया हुआ है, तो हम किसी भी टेबल के अंदर व्यू सिंपल व्यू के थ्रू इंसर्शन करवा सकते हैं। अब यही काम मैंने क्या किया, पहले मैंने जब व्यू चेक किया था अपना तो मेरे पास 14 रोज सेलेक्टेड आई थी, अब मेरे पास 15 रोज सेलेक्टेड है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम माय व्यू किया था तो मेरे पास 14 रोज सेलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा था। अब मैं अगर आपको दिखाऊं सारा इंसर्ट करवाने के बाद तो मेरे पास 15 रोज सेलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है और मेरा एम्प्लॉय नंबर 1001 टॉप पे लिखा हुआ है और सारा, क्योंकि ये एम्प्लॉय नंबर कुछ इस तरह से था तो शायद इसने इसलिए टॉप पे लिख दिया है। हो सकता है आप लोगों का रिकॉर्ड नीचे भी आ जाए सबसे लास्ट लाइन में, तो आप लोग लास्ट लाइन को भी चेक कीजिएगा। तो ये हो गया एक रिकॉर्ड इंसर्ट। तो ये बात तो ट्रू है कि सिंपल व्यू सिंगल क्यूरी रन करता है, इसमें कोई ज्वाइन नहीं लगते, ठीक है। और ये बात भी ट्रू हो गई कि सिंपल व्यू के थ्रू हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब हम अपने कॉम्प्लेक्स व्यूज की तरफ। अब ये एक क्यूरी लिखी है क्लास हमने, अब इस क्यूरी में मैंने आपके आपसे क्या डिस्कस किया है, एक इक्वी ज्वाइन पे क्यूरी लगाई है, ठीक है, ये रहा एक इक्वी ज्वाइन पे। क्रिएट व्यू कॉम्प व्यू, कॉम्प व्यू मेरे व्यू का नाम है, जो मेरा व्यू है उसका नाम है कॉम्प व्यू, ठीक है। अब मैंने उस पर एक इक्वी ज्वाइन की क्यूरी लगाई है और मैं कह रही हूँ कॉम्प व्यू एस, ये कीवर्ड आ गया, सिलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइन का काम है तो ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट एम्प्लॉय नेम,
डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। अब दो टेबल ज्वाइनिंग की बात आएगी तो ऑब्वियसली दो टेबल्स आ जाएंगे ना, दो या दो से ज्यादा। ई डॉट एम्प्लॉय नंबर, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, डी डॉट डी नेम। फ्रॉम ई एम पी ई डी ई पी टी डी डेप्ट डी वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर। अब मैंने क्या किया, एक इक्वल ज्वाइन लगाया है कॉम्प्लेक्स व्यू के थ्रू और बहुत सिंपल सी क्यूरी लिखी है और क्या सिलेक्ट करवाया है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम। जहां जहां भी डिपार्टमेंट नंबर और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा वहां से डेटा रिट्रीव होके आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग सिंपली ये काम करते हैं ज्वाइन का तो सिलेक्ट से लेकर यहाँ तक करते हैं, लेकिन हमने क्रिएट व्यू के थ्रू करवा लिया तो व्यू क्रिएटेड लिखा हुआ आ गया। अब हम इसे रीचेक करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कॉम्प व्यू किया और ये देखें आपके पास वो सब कुछ सिलेक्ट होकर आ गया। ठीक है, 14 रोज सिलेक्टेड, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डी नेम। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स व्यू। अच्छा क्लास, मैंने कॉम्प व्यू नाम रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझिएगा कि आप कॉम्प व्यू ही नाम रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स व्यू बनेगा। नो, जिस नाम आप माई व्यू भी रख सकते थे इसका, ठीक है, माई व्यू रख के आप इस पे ज्वाइन लगा देंगे तो वो कॉम्प्लेक्स व्यू होगा। आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं किसी भी व्यू का, जैसे टेबल को क्रिएट करते वक्त आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, इसी तरह व्यू को क्रिएट करते वक्त आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। क्यूरी को देख के पता चलेगा, व्यू को देख के पता चलेगा कि ये व्यू सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। अगर ज्वाइन या फिर ग्रुप फंक्शंस यूज हो रहे होंगे, मल्टीपल मल्टी रो फंक्शन यूज हो रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स व्यू है। और अगर सिंपली आपके पास कुछ फंक्शंस नहीं यूज हो रहे और सिंपली आपके पास डीएमएल क्यूरीज लगी हुई है तो इसका मतलब है वो सिंपल व्यू है। ये आ गया हमारे पास एक व्यू, हमने यूज कर लिया किसके थ्रू, इक्वी ज्वाइन के थ्रू। उसके बाद हमने एक और डीएमएल किया है, इसमें डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर। मैंने आपसे कहा था कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर हम डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने एक क्रॉस चेक करवाया आपको और मैंने क्या कहा, इंसर्ट कर दीजिए कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज जो जो हमारी थी। एम्प्लॉय नंबर के अंदर 1234 चला जाए, एम्प्लॉय नेम के अंदर अली चला जाए और डिपार्टमेंट नेम के अंदर सेल्स चला जाए। सेल्स का डिपार्टमेंट हमारी टेबल में मौजूद है, देखिएगा। अब ये इंसर्ट इनटू कॉम्प व्यू वैल्यूज, ये वाला हमने बिल्कुल इसी तरह से लिखा था पहले भी, अभी भी हम बिल्कुल उसी तरह से लिख रहे हैं। तो हमारे पास एरर क्या आता है, एरर आता है कैन नॉट मॉडिफाई मोर देन वन बेस टेबल थ्रू अ जॉइन व्यू। ठीक है, यानी कि हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, एक से ज्यादा बेस टेबल इस वाले व्यू में यूज हो रहे हैं तो हम सिंगल बेस टेबल वाले ही व्यू को, जो सिंगल बेस टेबल का व्यू होगा सिर्फ उसको ही हम मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास एरर आ जाएगा अगर हम कॉम्प्लेक्स व्यू में मॉडिफिकेशन करवाएंगे या डीएमएल क्यूरी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ग्रुप फंक्शंस, ग्रुप फंक्शंस के थ्रू हमारे पास किस तरह से व्यूज वर्क करते हैं। ठीक है, अब हमने एक और व्यू क्रिएट कर दिया जीपी फन के नाम से, यानी कि ग्रुप फंक्शन के नाम से मैंने एक ग्रुप व्यू बना दिया। आप कोई भी नाम रख सकते थे, एस सिलेक्ट करवाया और मैंने क्या कहा, सम कर दो सैलरी को। ठीक है, जो सैलरी का कॉलम था उसको सम कर दो, ये एक ग्रुप फंक्शन है सम। ठीक है, आपको याद होगा ये हमारे पास मल्टीपल रो फंक्शंस थे, ठीक है, उनमें सम था, सिंगल रो फंक्शन ग्रुप फंक्शन है ये सेल। उसके बाद सैलरी फ्रॉम ईएमपी विद रीड ओनली, विद रीड ओनली का जो कीवर्ड मैंने यहाँ पर विद रीड ओनली का जो लिखा है मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आप लोगों को ये भी बता सकूं कि जब अगर हमें किसी को सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना होता है तो हम कुछ इस तरह से व्यू क्रिएट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे रीड ओनली एक्सेस हम किसको दे सकते हैं, रीड ओनली एक्सेस हम, जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दी थी सुपरमार्केट की कि अगर आप सुपरमार्केट के लिए एक कुछ क्रिएट कर रहे हैं, सुपरमार्केट का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसी सुपरमार्केट में अगर आपका कस्टमर है तो कस्टमर प्रोडक्ट की लिस्ट को सिर्फ व्यू कर सकता है, कस्टमर प्रोडक्ट की लिस्ट को एडिट नहीं कर सकता, कस्टमर प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर कुछ और चेंजेस नहीं कर सकता, सिर्फ उसको रीड ओनली राइट्स देने हैं आपको। तो आप उस वक्त ये इस तरह से विद रीड ओनली का
की कमांड चला के अपने कस्टमर को या जो भी आपको जिस जगह पे भी आपको रीड ओनली कमांड देनी है, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली एक्सेस देना है, तो आप इस तरह से रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं. अच्छा, यहाँ पर हमने ग्रुप फंक्शन, तो मैंने ग्रुप फंक्शन के अंदर रीड ओनली एक्सेस दे दिया है सिर्फ, तो ग्रुप फंक्शन क्रिएट हो गया है, एक व्यू क्रिएट हो गया जिसके अंदर सम सैलरी यूज किया था हमने एक ग्रुप. तो अब मैंने जब उसको सिलेक्ट कराया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जीपी फंड, तो ये देखिए सैलरी का सम आ गया, और सैलरी का सम किस कॉलम के अंदर आया, सैलरी के कॉलम के अंदर. ठीक है, सैलरी के कॉलम में सैलरी का सम आ गया. तो क्लास यहाँ तो हमारा ये टॉपिक है हमारा व्यूज से रिलेटेड. ठीक है, अब मैं आपको व्यूज से रिलेटेड टास्क बता देती हूँ. टास्क में हमारे पास देखें, सबसे पहला टास्क है, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हुई भी हो, मैं वापस शेयर करती हूँ अगर नहीं है तो. अच्छा, टास्क से रिलेटेड हमारा पहला टॉपिक है, वो पहला टास्क है क्रिएट अ व्यू टू डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 10 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर. ये बहुत आसानी से कर लेंगे आप. डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम व्यू क्रिएटेड इन क्वेश्चन वन. इसी तरह डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले करने के लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करना है. सिलेक्ट ऑल फ्रॉम जो भी आपका व्यू है. Through view create in question 1, update the department number of employee 7782 from 10 to 20 and then display all the records of records from the same view and note which employee record is missing now which was displayed in question 2. ठीक है, अब आप चेक कर लीजिएगा. आपको डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करना है सिंपल व्यू के ऊपर, और वो कैसे करना है, आपको अपडेट की क्वेरी लगानी है. डिपार्टमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय 7782 को 10 से 20 अपडेट करना है. ठीक है, डिपार्टमेंट 10 में एग्जिस्ट करता होगा कोई 7782 एम्प्लॉय, उसके डिपार्टमेंट नंबर को आपको अपडेट करना है 20. ये आप डीएमएल क्यूरी से करेंगे. क्रिएट एन एनी सिंपल व्यू विद बेस टेबल एम्प्लॉय इन सच अ वे दैट रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी डिस्प्लेड बट कैन नेवर बी मैनिपुलेटेड थ्रू दिस व्यू. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, क्रिएट करें कोई सा भी सिंपल व्यू बेस टेबल ईएमपी से जो कि रिकॉर्ड्स कैन ओनली बी डिस्प्लेड बट कैन एवर बी मैनिपुलेटेड थ्रू दिस व्यू. ठीक है, मैनिपुलेट नहीं हो सकेंगे, यानी के मैनिपुलेशन ना हो सके, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली मोड में हो. उसके बाद क्या करें, क्रिएट अ व्यू विच डिस्प्लेज द ई नेम, डी नेम एंड सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज ऑफ डिपार्टमेंट नंबर 20. ठीक है, ये भी आप कर लेंगे. ये अब आ गया ई नेम एंड डी नेम की बात, तो ज्वाइन लगेगा. क्रिएट अ ये कॉम्प्लेक्स व्यू की क्यूरी है 5. क्रिएट अ पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम टू डिस्प्ले हाईएस्ट सैलरी यूजिंग व्यू क्रिएटेड इन क्वेश्चन 5. ठीक है, अब आपने क्या करना है, पीएल एसक्यूएल प्रोग्राम, यानी कि आपको अब क्या करना है, अब आपको ग्रुप फंक्शन यूज करते हुए व्यू क्रिएट करना है. Create a view my v issue based on the table EMP55 which does not exist in the schema. Now create the table EMP55 from EMP table having records of department number 10. Now select all the records from the view my view. अच्छा जी, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो EMP55 create करना है. उसके लिए आपको क्या करना है, EMP55 के अंदर आपको क्या copy करना है, EMP से तमाम records जो department number 10 के हैं. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको EMP55 का माय व्यू बनाना है और सब सेलेक्ट कराना है जो भी EMP55 के अंदर है. ठीक है, बहुत आसान सी हमारी आज की लैब है क्लास. आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया हो. फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप क्यूरी आंसर सेशन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आराम से और मुझसे पूछ सकते हैं. आप लोग सब ये प्रैक्टिस कर कर आइएगा पहले से ही, ताकि आप लोगों के जितने भी एरर्स हों वो हम क्यूए सेशन में रिजोल्व कर सकें. Thank you, class.